हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है, सॉल्व द इंटीग्रल एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो हमने मान लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब एक्स टू द पावर 4 में हमने क्या करा, इसमें माइनस 1 कर दिया एंड प्लस 1 कर दिया अपने मन से एंड डीएक्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? हमने ऐसा क्यों करा अभी पता चलेगा। अब इसको लिख दिया हमने एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 को एक साथ एंड प्लस 1 को अलग कर लिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डीएक्स। ठीक है, अब इसको फिर से ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स, राइट? ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब इसके बाद क्या करा जाए, तो देखो एक्स टू द पावर 4 है आपका, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको आप क्या लिखोगे, तो यह अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, राइट? है ना? एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, सो इसके बाद हो जाएगा हमारा, हमने लिखा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? अब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यहाँ पे प्लस में, राइट? क्रॉस चेक कर लिया जाए, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पे आप सबका इंटीग्रेशन जानते हो, सो दिस विल बी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स एंड प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।